नमस्ते फ्रेंड्स, एमजी फैमिली किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं मूली की पराठे बनाने जा रही हूँ। अभी मूली की सीजन चल रहा है, इसी समय में मूली की पराठा खाने का टेस्ट और ही अच्छा और स्वादिष्ट लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सफ़ेद वाला मूली लिया है, एक कटोरी आटा लिया है और एक प्याज को मैंने बारीक से काट लिया है। देख सकते हैं, यहाँ पर 2 स्पून कटा हुआ हरा धनिया लिया है, बारीक कटा हुआ। अदरक को ग्रेट किया हुआ 1 स्पून है। घी लिया है यहाँ पर मैंने, 3 हरा मिर्च को बारीक से काट लिया है। नमक लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, भुना हुआ जीरा 1 स्पून लिया है। इस तरह से डाला हुआ पराठा में बहुत ही टेस्टी लगता है भुना हुआ जीरा। सबसे पहले मैं मूली को इस तरह से ग्रेट कर लूँगी, देख सकते हैं, और सारा मूली को मैं इसी तरह से ग्रेट कर लूँगी, देख सकते हैं। मैंने मूली को सारा ग्रेट कर लिया है, अब मैं इसे इस तरह से निचोड़ लूँगी, देख सकते हैं। मूली में बहुत ही पानी होता है, इसीलिए इस तरह से निचोड़ना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं निचोड़ेंगे तो आपका पराठा अच्छा नहीं बनेगा। देख सकते हैं मूली से कितना पानी निकल चुका है। अब मैं इसे इस पानी को फेंक दूँगी और यहाँ पर मैं मूली की स्टफिंग बनाऊँगी। कढ़ाई गरम हो चुका है, यहाँ पर मैं 1 स्पून ऑयल डालूँगी। ऑयल भी गरम हो चुका है लगभग। अब मैं यहाँ पर डालूँगी बारीक कटा हुआ प्याज और इसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक, देख सकते हैं। उसके बाद मूली को डाल दूँगी ही और इसको भी अच्छी तरह से इस तरह से भून लूँगी। 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, ग्रेट किया है 1 स्पून अदरक, हरा मिर्च, इसको भी मैं इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, देख सकते हैं। इस तरह से मिक्स करना है इसको और इसको इसी तरह से मैं 2 से 3 मिनट तक भून लूँगी। कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 स्पून नमक यानी स्वाद अनुसार नमक। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। देख सकते हैं ये मूली की स्टफिंग बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं तवा गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी और यहाँ पर मैं आटा गूंथ लूँगी। जैसे आप लोग रोटी बनाते समय आटा गूंथते हैं, वैसा ही यहाँ पर मैं 1/2 स्पून से थोड़ा नमक डाल दूँगी और 1 स्पून ऑयल। इसको मैं अभी इस तरह से मिक्स कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सॉफ्ट और मुलायम डो बनाना है। देख सकते हैं यहाँ पर सॉफ्ट और मुलायम डो बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसको एक लोई उठा लूँगी, ऐसे करके ऐसे बना लूँगी, देख सकते हैं। और इस पर थोड़ा सा आटा लगा के मैं बेल लूँगी इस तरह से। देखिए, मैं यहाँ पर 2 स्पून मूली की स्टफिंग डाल दूँगी, उसके बाद इस तरह से फोल्ड करते जाऊँगी, इस तरह से जैसे मोमो बनाते समय फोल्ड करते हैं वैसे ही, और ऊपर से इस तरह से घुमा लूँगी। एक्स्ट्रा जो बचा हो इसको मैं इस तरह से चुन लूँगी, इसको बाद में मैं फिर से मूली का पराठा बनाने में यूज़ कर लूँगी और साइड साइड से इस तरह से दबा दूँगी। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग इस तरह से साइड साइड से दबाना है और इस तरह से प्रेस करना है। यहाँ पर मैंने सूखा हुआ आटा लगा लिया है, उसके बाद मैं इसे हल्के हाथों से इस तरह से बेलते जाऊंगी, इस तरह से बेलना है, देख सकते हैं। यहाँ पर तवा भी गर्म हो चुका है, यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है और उसके ऊपर ही मैं ये डाल दूंगी मूली का, जो अभी मैं पराठा बनाने जा रही हूँ, देख सकते हैं। एक तरफ हो सूखा है, अब मैं इसे अच्छी तरह से इसके ऊपर घी लगा लूँगी। आपके पास घी नहीं है तो रिफाइंड ऑयल भी लगाकर मूली का पराठा बनाकर खा सकते हैं। और इस तरह से चारों ओर, दोनों साइड चारों ओर से इस तरह से लगा दूँगी। ये देखिए, हमारा मूली का पराठा
बनके तैयार हो चुका है ये। अब मैं इसे एक प्लेट पर डाल दूँगी और बचा हुआ को भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। ये देखिए दूसरा भी मैं इसी तरह से डाल दूँगी और इसके बाद इसी अच्छे से ऑयल लगा लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मूली का पराठा बनके तैयार हो चुका है। और इस तरह का रेसिपी आप लोग घर पर ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस रेसिपी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।